हो गई है, तो आप शुरू हो गए। ठीक है, अच्छा अब आप गए सेटिंग में। सबसे पहले आप गए वाईफाई कनेक्ट किया, देखिए कोई भी वाईफाई आ गया, ठीक है ये कनेक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है उसको पासवर्ड देना होता है, वो कनेक्ट हो गया। आप फिर जाएंगे एप्स में, नहीं एप्स में सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में VPN से पहले मैप्स का अपडेट दिखानी है ना सर? हाँ, वो दिखा दे। ये देखें ना, रिसेंटली अपडेट माय एप्स एंड माय मैप्स एंड एप्स कर दिया ना, दबाया अब अपडेट ऑल करें। नहीं नहीं, मैप्स अपडेटेड है, अपडेटेड है मैप्स अपडेटेड लेकिन है। ये वाला करना बेहतर रहता है कि आपका टैब अप टू डेट रहे, ठीक है ये बेहतर रहता है कि आपके गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज, एंड्रॉइड सिस्टम ये सारे अपडेट रहे। तो अच्छा तैमूर भाई, वो जो आपको तरीका मैं बता रहा था ना, ये मैप आपके अपडेटेड है, आपको समझ में आ गया है। बाज़ औक़ात फिर भी लोकेलिटी फेच नहीं करता, प्लीज़ इनेबल लोकेशन कहता है, उसमें एक तरीका तो ये है कि लोकेशन को ऑन ऑफ कर लेना, यहाँ से ये लोकेशन है ना, इसको ऑन ऑफ तरतीब से करो, बच्चा रिकॉर्ड हो रहा है ना, उनको कन्फ्यूजन ना हो, तरतीब से करो। ठीक है, अभी लोकेशन ऑन है, वो हमें सही लोकेशन दे रहा है, हम यहाँ पे हैं, ठीक है वो हमें लोकेशन दे रहा है। ऑफलाइन भी आ जाती है कैसे? हाँ हाँ नहीं, अभी ऑनलाइन, अभी मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ क्योंकि इसको ये डायरेक्शन देनी है। अगर वो हैंग है ना, तो फिर आपने इंटरनेट पे कनेक्ट होके क्या करना है, इसमें कोई भी एड्रेस डाल देना है, सफवाल का, लाहौर का, इस्लामाबाद का, ताकि और ये डायरेक्शन दबाना है, ये नीचे डायरेक्शन शुरू कर दे ये डायरेक्शन। लेकिन अगर आप रात को टैब ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, सुबह खोलेंगे, तो ये मसला आएगा नहीं। ये टैब जब बंद नहीं होता, वो प्रोसेस इसमें सबसे नीचे चला जाता है, जीपीएस तब गया। अभी इसने डायरेक्शन दे दी, अब हमारा काम अब ये ठीक है, मतलब ये करके आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप सेटिंग में जाए, वीपीएन कनेक्ट करें, ठीक है कनेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे कनेक्टेड और वहां पे चाबी आ गई, ठीक है। हाँ, अब इसको ब्रेक किया, यहाँ पे ऑफर लिस्टिंग में गए। अब ये ऑटो सिंकिंग कर रहा है, लेकिन इसकी गारंटी क्यों नहीं है, वजह क्या है? वजह ये है कि ये ऐप के साथ ही खुल गया। अब इंटरनेट स्पीड और ऐप स्पीड पे भी होता है, इसमें तीन मसाले होते हैं। इंटरनेट कनेक्शन तेज होता है, टैब हैंगिंग कंडीशन में होता है, वो दोनों का जो प्रोसेस है वो मिलता ही नहीं है, तो मतलब इस पे रिलाय नहीं किया जा सकता ऑटो सिंक पे। तो ये जब सिंक हो जाता है, और हम क्या करते हैं, एक दफा एहतियातन दोबारा से वहां से सिंक दबा लेते हैं, ठीक है। और इसका एक और फायदा भी हो जाता है कि बाज़ दफ़ा ऐप बैकग्राउंड में खुली रह जाती है, हाँ। तो जब आप दोबारा ओपन करते हैं वो ऑटो सिंक नहीं करता, तो इस चीज़ से बचने के लिए भी तो है। और ये मैं हर टीम को बता रहा हूँ फील्ड से, जिसको भी मेरे फ़ोन आते हैं ना सर, मैं सबको ये बताता हूँ कि जब भी ऐप दोबारा ओपन करनी है ना, बैकग्राउंड से क्लोज करके ओपन करनी है, उसकी एक वजह है। जब मैं बिस्प गया हुआ था, उन्होंने ये बताया कि जब भी पीछे से वो कोई चेक चेंज करते हैं ना अपना, या फॉर्म रिकवरी का, या कोई भी चीज़, तो होता है तो वो नहीं सर, वो मैनुअल सिंक से भी नहीं होता, बिट उसकी वहां बंद करके दोबारा खोलना पड़ता है। ये ओके कर, वो ये सिंक दबाया। अब अगर ये एक दो जगह भी खुली हुई है ना, तीसरी जगह भी किसी चीज से कनेक्ट है ना, यहाँ डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अब ये जो इंटरफेस है ना, ये यहाँ खुली हुई है, ये डायरेक्ट हो जाएगी किसके साथ, सर्वर के साथ, ठीक है। सर्वर समझते हो कौन है, सर्वर कौन है, पिंडी गेम का एरिया कोऑर्डिनेटर है। सर्वर कौन है भाई, आप में से कोई जानता है? हाँ जी, कौन है सर्वर? पिछले क्या मैंने सर्वर, यही जो वीपीएन है सर, यही है सर्वर, यही सर्वर है यार, वीपीएन नहीं है यार। एक मिनट, सर्वर
वो जगह है जहाँ पे ये सारा डेटा जाता है, स्टोर होता है। वीपीएन सिर्फ एक गाड़ी है, एक रस्सी है जो आपको उस सर्वर तक लेके जाती है। उस रस्सी का ये मतलब है जब आपने वो रस्सी पकड़ ली ना, आपके लिए इर्द गिर्द की बसें, टैक्सियां, ऊबर शूबर सब बंद हो जाए। इधर उधर का रास्ता खत्म हो जाता है, टनल वैसे जाना है। ठीक है, अच्छा ये हो गया दोबारा से। अब हम पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले करेंगे यहाँ पे एड्रेस सेट। हमने क्या रावलपिंडी ब्लॉक किया, हमने 4 इनुमेरेशन एरिया हमने किया 441 नहीं भाई एक ही और ये भाई कुत्ते। सर ये शहजाद भाई का लैपटॉप सो जाता है, वो शहजाद ही की तरह है ना, सो जाता है। दो थप्पड़े लेकिन आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है तो ये हम कहाँ से लेंगे इन लोकेलिटीज को। जब आप अटक में काम करते हैं ना, एसएम यूसी के अंदर जितनी लोकेलिटीज होती है ना, वो नाजम से साइन करवा के लाता है। अगर वो नाजम से साइन नहीं करवा के लाता कि ये लोकेलिटीज इस यूसी में, तो उस एसएम की कोई भी रिपोर्ट काबिल कबूल नहीं है, ये याद रखो। वो क्या करेगा, उसका स्टैंप उसका साइन जाएगा, जब मीटिंग करेगा उसको कहेगा तुम्हारे इस यूसी में कौन कौन सी लोकेलिटीज पड़ती है, वो उससे लिखवा के लाएगा। तो आपको फिर पता होगा कि ये सुपरवाइजर आपको पता होगा, क्यों, क्योंकि आपका एसएम आपको वो दे रहा है। उनको पता हो ना हो, ये अब गुजर खान की नहीं है, ये इंग्लैंड से आई हुई है, तो फिर ये एसएम को पहले उतारने का मतलब क्या है। कल के दुश्मन को देखो, जाके वो वहां पे पूछेंगे और सिंकिंग कर रहे हैं दफ्तर में। अच्छा आप चलो बाउंड्री, अब वीपीएन पहले डिस्कनेक्ट करो ना। VPN डिस्कनेक्ट करने का आसान तरीका ना, नेट नहीं बंद करना, नेट नहीं बंद कर रहा। VPN डिस्कनेक्ट हो गया, अब VPN जब डिस्कनेक्ट होगा तो तब जाके वो मैप दिखाएगा। क्यों, VPN के साथ वो मैप नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैप इंटरनेट से आता है। तो VPN कनेक्ट हो गया, उसने एक दफा मैप लोड हो गया फिर ओके है। ओके ठीक है, अब आप क्या करें, अब आप इनोवेशन एरिया बाउंड्री पे इस पे चले जाएंगे। जब आप इसको दबाएंगे तो ये आपको कहां लेके जाएगा, उसी इनुमेरेशन एरिया में, और आपको एक सीधी लाइन भी दिखाएगा, आप उस लाइन के पीछे चलते जाए। जैसे अभी यहां पे वो ये लाइन दिखा रहा है, हम इसके अंदर है, अब ये इनुमेरेशन एरिया जो है ना, हम इसके अंदर बैठे हुए। ये अगर हम बाहर होते ना 2 किलोमीटर दूर, तो 2 किलोमीटर दूर से वो दुम उसकी बनी हुई होती, हम उसी धूम के पीछे जाते 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 उस तक पहुंच जाते। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस येलो लाइन पे हमने अब ये हमारे दफ्तर के सामने वाला चौक है, ये दफ्तर के सामने वाला चौक है, ये बड़ी पार्किंग है। अब क्या करेंगे, अब मुर्शिद को बुलाएंगे, दानियाल साहब होंगे, मुर्शिद होंगे, बल्कि मुर्शिद को छोड़े दानियाल साहब आप जाए, इनको आप जो है इनके साथ चले जाए। सर ये तो बड़ी लंबी ट्रेवर्सिंग है मेन रोड से, पूरी इतनी नहीं है ये, इसमें ये भी आ रहा है ना, आप बंद करके भी जा सकते हैं ना, ये वाला, ये आपके पास ये भी ऑप्शन है। अब आप जाए और ये मतलब ट्रेवर्स करके आ जाए। ठीक है, आओ जी ब्रदर, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? ना 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 ना, रिकॉर्डिंग तो करनी है इस पूरे प्रोसेस की। हाँ, वो प्रोसेस नहीं बताना, रिकॉर्डिंग होती रहेगी तो प्रोसेस पता चलेगा ना कि येलो लाइन कहाँ पकड़नी है, कैसे पकड़नी है। अब नॉर्मल चलते जाए, इनको देखते जाए, बैटरी 11% है, 11%
हम जल्दी खत्म करते हैं। अभी तक देख ले मैंने ऑटो मोड को ऑन नहीं किया, ऑटो पे नहीं हूँ मैं अभी, वरना अगर मैं ऑटो ऑन कर दूंगा ना तो वही यहाँ से रिकॉर्ड नहीं हम ऑटो लाइन ऑटो रिकॉर्ड स्टार्ट नहीं करेंगे। अब जैसे ही हम येलो लाइन पे पहुंच जाएंगे हम ऑटो स्टार्ट। अच्छा ऊपर से मैंने वाईफाई भी बंद कर दिया क्योंकि ये सब ऑफलाइन में होना चाहिए क्योंकि मैप हमारे पास आ गया। फील्ड में लोग कहते हैं जी सर्वर डाउन का एरर आ रहा है, उनका वीपीएन ऑन हुआ होता है। वीपीएन बंद रखिए, ये काफिया चाहिए सारी रख दो, बिल्कुल नॉर्मल चलना है। मिलिट्री का एरिया है, कोई ऐसा तासुर नहीं देना, बस आप लोग हैं, बस जा रहे हैं, कोई वो कभी टेप छुपाएगा कभी टेप दिखाएगा, हाँ लाइन दिखाएगा कभी कभार, लेकिन ये कि लोग हो तो टेप छुपा देगा। ठीक है की ब्राइटनेस तो बढ़ा लें भाई, दिखे तो सही ताके। अब देखें हम बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर हैं। ठीक हो गए लेकिन उसने मैप नहीं लोड किया। चलें हम चलना शुरू करते हैं। ये वाली जो रोड है ये पेशावर रोड है, ठीक है सामने, ठीक है तो हम इस वाली रोड पे ये जो लाइन जा रही है ना हम इस पे फॉलो करते हुए जाएंगे इस वाली रोड पे। अभी हम करते हैं स्टार्ट मूवमेंट, ठीक है यहाँ पे कर लो एड पॉइंट, ठीक है ये अभी उस पे था मैनुअल मोड पे था, अब हम इसको ऑटो मोड पे कर लेंगे और अब हम चलना शुरू कर रहे हैं। मैं रोड के इस तरफ इसलिए चल रहा हूँ अगर मैं उस तरफ चलूंगा तो वो उसको काट देगा। लिस्टर है रात, आप दोनों लिस्टर हैं जी। ये देखें वो रेड रेड लाइन बनाता जा रहा है साथ साथ, सही है ठीक है ऑटो मोड पे वो खुद ही पॉइंट रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक हो गया, हमने बस येलो लाइन पे जो है ना करना है। हाँ, उसको अपनी अपनी तरह से नहीं इसको वो करना होगा, ना 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 वो अपनी तरह से करेंगे तो फिर मसला होगा। अभी देखें आपको दोनों बाउंड्रियां शो हो रही है येलो भी और रेड भी, हम येलो लाइन को फॉलो करते हुए जाए जा रहे हैं बस। कर सकते हैं लेकिन दूर होता तो वैसे अगर नज़दीक देखेंगे ना फिर उसके हिसाब से मैप के हिसाब से बैग भी चला जा सकता है, चला जाए वो सीधा किधर किस चीज़ के लिए
बाइक ना 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 बाइक पे गए जाएंगे तो वो 30 सेकंड बाद पॉइंट रिकॉर्ड करते हैं, एक इधर करेगा अगला उधर करेगा, ये मसला है ना। अच्छा, बाइक पे नहीं, बाइक पे नहीं, हाँ मेन रोड पे बाइक कर सकते हैं क्योंकि मेन रोड तो सीधी है ना, अंदर गलियों में बाइक पे ना 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 एक साइड पे बाइक खड़ा करके फिर बाद में हम भी कोई आएगा नहीं, हम तो सीधा कोई और जाते ना। अब इसी तरीके से जाना है, अब किधर जाना है सीधा उधर से गली जाती है। अब मैं इसको कर रहा हूँ स्विच टू प्रॉम्प्ट मोड, यहाँ पे आगे मुझे रास्ता नहीं मिल रहा ना, अब मैंने उसको ऑटो से कर दिया ऑफ। सही हो गया, ठीक है। अब मैं अगला पॉइंट, अभी वो ऐड पॉइंट मैं नहीं करूँगा, मैं चल रहा हूँ, मैं यहाँ जाके अगला पॉइंट रिकॉर्ड करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम, जी अल्लाह का शुक्र यहाँ पे आके हमें वो रास्ता मिल गया। अच्छा एरर क्या दे रहा है, लोकेलिटी वही सेट हुई हुई है टाइम में। अच्छा यार अभी तो मैं आपको थोड़ी देर बाद जो है ना फोन करके बताता हूँ, बल्कि या फिर आप अली को कांटेक्ट कर लें। मैं कर लेता हूं आपको, मैं फील्ड में हूं ना असल में। यार आगे चले जाओ, सुन लो इसमें स्प्लिट हो जाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ, स्प्लिट हो जाओ, लिस्टर सिर्फ मेरे साथ रह जाए, स्प्लिट हो जाओ, एक बस एक दो बंदे रह जाए बाकी आगे स्प्लिट हो जाओ। अब हमारे सामने वो जंगल आ गया था तो हम थोड़ा सा इस तरफ को आ गए, अब हमने वापस उधर किसी तरह जाना है। तो इसको हम वो कर देते ना प्रॉन्ट मोड, उधर से लगा देते। हाँ इसलिए मैंने प्रॉन्ट मोड ऑफ कर दिया, अभी ऑटो मोड ऑफ कर दिया, ठीक है। हमारे पास आगे रास्ता नहीं था, हमने असल में पॉइंट उधर जाके कहीं रिकॉर्ड करना है, अब उधर हमने जाना कैसे ही है मुझे नहीं पता। उधर जाने के लिए हाँ ये चीज़ आ गई अभी, अभी इसके लिए पहले रास्ता ढूंढें उधर जाने का। जी जी, अभी देखिए हम पीली लाइन से दूर आ गया ना, बहुत दूर है, वही लाइन सीधी जानी थी हमें। हाँ वो अभी पीछे चले जाएंगे और फिर जो है ना उसी से लाइन पर सीधा आगे जाते हैं, अभी हम उसी तरफ को चलते हैं। हाँ। उनको वापस बुला लें। आ जाए, आ जाए। वो नहीं है दानियाल भाई, यहाँ से स्टार्ट नहीं लिया हमने। हाँ। वो नाला आ रहा है। हाँ। उसकी परली साइड आगे जाके फिर उसकी कहीं जगह लोकेशन बनेगी, एग्जैक्ट आ जाएगी। हाँ हाँ। नहीं बड़ा आसान एरिया है, नालों में नहीं अच्छा नहीं है, तो फिर क्लियर हुई है, आसान है, मुश्किल नहीं है। फाउंड्री जो मैं सीधे सीधे है ना जहाँ पे रूट्स आ जाते हैं। हाँ वो देखे, अब हमें उस तरफ जाना चाहिए था, रूट्स जहाँ पे सही आ जाते हैं उधर बाउंड्री एक्यूरेट बन जाती है। यहाँ पे ये आ गया जंगल आ गया, उस जगह लाजमी स्प्लिटिंग होती है बीच में, वो नहीं एक्यूरेट बनती। उसका तो इशू तो नहीं ना होगा, ये देखें इसने क्या लगा। अच्छा ये अब वो पॉइंट इशू है, पॉइंट आउट ऑफ बाउंड्री वाले और इस तरह के इशू खत्म हो गए कोई नहीं इसमें? नहीं नहीं इसमें जब लाइन सही लगी होगी तो वो इशू नहीं देगा। अब ये नाला है ना यार, नाले पे क्या पॉइंट रिकॉर्ड करें हम। अभी ठीक है, अभी हम इस तरफ जा रहे हैं मेरे ख्याल में, जाके वो वैसे बिहार में से कहीं ना निकाल लीजिए लग मुझे इसी तरह है, वैसे बिहार वाला सिस्टम लग रहा है। अभी प्रॉम्प्ट मोड पे ऑटो ऑफ किया हुआ है, जब तक मुझे ये श्योर नहीं होगा कि मैं सही जगह पे हूँ मैं पॉइंट नहीं रिकॉर्ड करूँगा। सही है, इसे जो है ना फिर वो मिस्ट कोई गलती नहीं होती, ये ठीक है।
ये भी एक्सपीरियंस हो गया। हाँ ये वेस्टर्न बाजार के आसपास कहीं ले आया है। जहाँ गलियाँ हों वहाँ मोटरसाइकिल नहीं, मेन रोड पे मोटरसाइकिल। नहीं 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 हम अब अगला पॉइंट हम पता है कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, वो कोने पे। ठीक है जाती सारी। हाँ नहीं नहीं ये तो अंदर का मोहल्ला है, पीछे मेन रोड पे सारे फौजी हैं। अभी किधर जाना है? इधर जाना है सीधा 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 आगे पहुँच देती हूँ। चलो शहर का एरिया है तो ये आसानी है कि हम अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं कौन सी लोकेशन। यार हमारे नेट का इतना इशू है उधर जो है ये काम सब टैब ऊपर टैब रजिस्टर नहीं है तो ये भी सारे कराना सारा क्लियर। नेट का भी इशू और ये टैब रजिस्टर होने के काम होते हमने शुरू किया था इधर से। जी जी यार एक ये है ना वैली रोड। हाँ ये वैली रोड है। ठीक है हमने शुरू किया था। हमारा दफ्तर किधर गया? एक ब्लू पॉइंट कौन सा आ रहा है तो अभी हमारी लोकेशन है। हाँ नहीं नहीं ये 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 वैली रोड है। कौन सी? ये देखे ना ये वैली रोड है, हमने यहाँ से पॉइंट लेना शुरू किए थे। ठीक है हम यूँ गए और यूँ जाने के बाद हम इस तरफ को चल पड़े। इस तरफ को चल के अब हम यूँ आ गए। ठीक है मतलब हम यूं गए और इस तरफ को आ गए, हम यहाँ कहीं हैं। अब हमें आगे से कहीं से होना है लेफ्ट। इस गली के अंदर ठीक था ना, इसका मैप उठा लेते साथ पॉइंट। ना ना ठीक है बस कर के तो जेड लुक हो जाता है। मैप जरूरी है साथ है मैप बोलता था पॉइंट आर के बाद चल जाता है। आसानी वास्ते ये मोबाइल है जैसा पसे मैप पर पॉइंट मारो। पॉइंट मारो जी उस पॉइंट ऑल जैसे एग्जैक्ट जैसे बाउंड्री एक्यूरेट हमेशा मैप पर पहुंची थी। यही गल ये तो सही है चौंगर इससे बाउंड्री की तुम्हें मैप पर बनाना। यही गल किस तरह बनाना पॉइंट। अब ये देखो ना वो पॉइंट हमें उधर रिकॉर्ड करना है, वो नाला है इसको अब कैसा करना है। ये भी आगे भी नाला है ये सारा आदमी ये बंद हो गया अगर गली जाके बंद हो रही है वो शायद कोई नहीं वहाँ पर बंद है। मैप होता ना मैप से पॉइंट मार लेते हैं हम।
कार में होने लगता है ठीक है। हमने इस रोड पे वापस जाना है, इधर से जाना है इस रोड पे, इस रोड पे वापस जाना है। लाइट नहीं होती कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, समझ गया मैं। आ जाए भाई, अभी तक ऑटो ऑफ है मेरा, जब तक मुझे शोर नहीं होगा मैं ऑटो नहीं ऑन करूँगा। अब ये जितना फेरा लगाया हमने एड पॉइंट नहीं किया, प्रॉन्ट पे, प्रॉन्ट पे वो मुझे बार बार कह रहा है एड पॉइंट, मैं कहता हूँ नहीं स्किप, क्योंकि जब तक बंदे को श्योर नहीं होगा कि मैंने जाना कहाँ से तब तक बंदा स्किप करेगा। ये जो बाउंड्री हम लगा रहे हैं ना इस तैमूर भाई, इससे उसका भी बहुत फ़ायदा होता है, इनुमिरेटर का, उसको पता चल जाता है कि कौन सी गली बंद है कौन सी खुली है, मैंने जाना कहाँ से नहीं जाना। लेकिन इसके लिए बेहतर यही होता है, ये भी नहीं तो पता चल गया कि अभी जिस तरह ये इशू आ गया। हम इधर से आए थे, इधर से आए थे, इधर से, इधर से बेहतर यही है कि इसके लिए आठ सात उसके जस्ट आपको पॉइंट डालो। हाँ, अभी हार्ड मेरे सामने होते मुझे पता होता वो नाले वाली जगह से हमने मुड़ना कहा, गलती की, मैप उठा लेना था, इस तरह निकलते हैं। ये वो नाले वाली रोड है ना, उसी तरफ जाना था, ठीक जा रहे थे सीधा आगे इस तरफ। हाँ, रोड पे इधर नहीं आना था। हाँ, गलती की, उधर नहीं निकला ना, फिर उससे इस बंदे को सही कंफर्म हो जाता है ये मैप नहीं है अभी तो ये इशू आ रहा है। खैर है, खैर है, जब तक ऑटो ऑफ है वो पॉइंट रिकॉर्ड करेगा ही नहीं। हाँ। मैं अभिषेक जगवाल से घूम के आ जाऊँ, यही बात है। जल्दी जल्दी बैटरी मुक रही है इसकी। हाँ, 7% रह गई है बाकी। हाँ, ये 2 पॉइंट डालेगा तो ये बंद हो जाएगा, देख लेना। हाँ हाँ, वो ठीक थी, मैंने कहा था ना जा कि लेफ्ट होंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, वही जाना ही जाना था, नीचे आए थे ना तो थोड़ा सा जाते थे तो फिर उसकी लैंप वो होगा पता है क्या, ये देखे ना हम जहाँ मुड़े थे वो ये था, वो सीधा जाके ना इस रोड पे घुसेगा, वो इस वाले एरिया को काट देगा क्योंकि ये नाला है, समझ आइए। ये नाला अपना ये वाला, ये सारा नाले का एरिया कट जाएगा।
या फिर इस आउट नहीं हो जाएगा ये वाला एरिया? नहीं, मैं आपको वही बताने लगा हूँ कि देखें इसके साथ भी तो कोई इनोमिनेशन एरिया है ना। हाँ। जब वो बंदा मार्किंग करेगा वो यहाँ तक आएगा और वो यहाँ जाने की बजाय वो इस तरफ चला जाएगा, वो सारा एरिया उसका हो जाएगा। समझ आ गई? सही है। अब हम यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ पे थे ना हम। हाँ, यहाँ पे कर लेते हैं एड पॉइंट। ऊपर थे ना, ऊपर से आने दें, प्रॉम्प्ट आने दें। अब जब वो मुझे पॉइंट देगा ना वो मैं रिकॉर्ड करूँगा और फिर मैं ऑटो मोड ऑन कर दूँगा। ये देखें ऐड पॉइंट आ गया और स्विच टू ऑटो मोड। अब चलते हैं। आप सही है? हाँ, वो देखें ना वहीं से कंटिन्यू हुआ जहाँ हमने छोड़ा था। इधर जाना है ना फिर लेफ्ट पे। हाँ, उधर ही जाना है। ऐसे गोल घूम के अंदर जाते अपने ऑफिस के रूम में। हाँ, हमने उस पीली लाइन को टच करना है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी हम पीली लाइन से दूर हैं। हाँ, ये इधर से वापस आ गया है। कितनी ये बीच में से निकालने का भी, क्योंकि आगे जगह नहीं है ना सर। हाँ। अभी इधर जाना है, फिर ये इधर करेगा टच। ये ऐसे ना टच कर दे इस तरफ, ऐसे मुड़ के ये ऐसे सीधा करेगा उस तरफ से टच। लेफ्ट पे करेगा, राइट पे करेगा, इधर टच करेगा इस तरफ, इस तरफ। अच्छा, हम पीली लाइन पे आ गए हैं। वैसे अच्छा, पीली लाइन के बाहर चलेंगे थोड़े से। ये पीली लाइन है सीधी। अब हम यू मेन रोड को ना हो जाए। हाँ, हो जाते हैं। ये तो क्रॉस कर सकते हैं हम। ये तो फिर रास्ता नहीं है ना, रास्ता होगा। रास्ता नहीं है, हो जाएगा क्रॉस। यार क्या हो गया? क्या ये नहीं क्रॉस होगा? कैसे सर होगा? जंप लगा। हाँ, जंप लगा के हो नहीं जाएगा? नहीं होता है यार सर जी, थोड़ा ज्यादा ही है, कम नहीं है। चलिए उधर से वो वहां से कर लेते हैं। इसको आप करके लेते कर चला आ गया। हां, इधर से हो जाती है, जंप लगा दे प्रायोरिटी के नाल। ये इधर से चली हो जाती है, यहां से चले जाएं। जहाँ से रास्ता मिले वहाँ से चले जाएंगे। वहाँ से चले जाएंगे आगे से। क्या यहीं से, यहीं से, यहीं से चले जाएंगे। अब हमने वापस पॉइंट पता है कहाँ रिकॉर्ड करना है? उधर जाके, उधर सामने। हाँ, हाँ।
यार इनके फ्रेंड्स वाले मेरे ग्रुप में इधर से काम में डालना यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अब मैंने वापस ऑटो मोड पर स्विच कर दिया है। वैल पता नहीं ऐसे कर रहा है यार। हो गया बाउंड्री लगी हुई है ना वो रोड की उस तरफ लगी हुई है परली रोड पे, लेकिन हम यहीं से कर लेंगे क्योंकि इधर स्ट्रक्चर कोई नहीं है। अब हम रोड के बीच से बाउंड्री नहीं निकाल सकते, ट्रैफिक है। ये देखें ये रोड के ऊपर से बाउंड्री निकाल रहा है। हाँ रात हो जाए यार बाद में अब सीधा दफ्तर वापस जहाँ ये चक्कर पूरा हो गया ना बस ठीक हो गया। चलो आप हमने सिर्फ वो वाला एरिया जो है ना वो छोड़ा है नाले वाला। नहीं रिटायर भी है इनके तो अपने होंगे ना ये इधर कि गवर्नमेंट की तरफ से फौज दे देती है इनको सर्विस के बाद। हाँ क्या फौज जब रिटायर होते हैं ना तो वो इनको मिल जाते हैं लौट आ जाते हैं। अच्छा ये फायदा है फौज का। जब हम वहाँ जहाँ से शुरू किया था ना वहीं पे जाके एंड करेंगे। क्लियर 28 वो सामने है ना बस छोटी सी पोस्ट यार इतनी बड़ी नहीं इसके लिए इजी हो गया इतनी ज़्यादा नहीं जितनी भी हमने 2 किलोमीटर घूम फिर हाँ वो तो घूमना चाहिए ना ऐसे हम बाइक पे हो एक्सरसाइज भी लाजमी है एक्सरसाइज अभी गाड़ी में बैठ के तो जाना है वापस थक गए बैठ गाड़ी लेफ्ट साइड पे हो जाओ गाड़ी को भी गाड़ी को मत
ये देखो अब मैंने कर दिया एंड एंड सबमिट, ठीक हो गया। अब आओ अंदर चले, अब अंदर सिचुएशन होगी बाकी। चार्जिंग मर जाएगी चार्जिंग इसकी। इसको क्या हो गया भाई? अच्छा अब मैंने एंड सबमिट कर लिया ना, अब मेरा काम क्या है, मैंने ऑफिस आके वाईफाई कनेक्ट करना है, वीपीएन कनेक्ट करना है और मैंने इसको कर लेना है सिंक बस। चेक करते हैं अच्छा।
अब मैंने VPN वाईफाई देखें कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको कर लूँगा सिंक और ये मेरी बाउंड्री चली जाएगी सर्वर पर। अभी शो ही होगी, अब दोबारा बाउंड्री आ गई, वो सर्वर पे शो होगी। अभी हमने काफ़ी सारा एरिया छोड़ दिया है वो इस वजह से क्योंकि बीच में नाला आ गया था और हम आपस मैप भी नहीं था। अच्छा ये हो गया ना रिकॉर्डिंग।